हेलो एंड वेलकम टू मै एकेडमी मैं हूं शशांक लखेरा और फाइनली श्रीलंका जो है अब अपनी एयरलाइंस को जो है बेच रहा है देखो किसी भी देश की शान जो है उसकी एयरलाइंस होती है जैसे अगर आप किसी भी एयरपोर्ट में जाओगे मान लो आप दुबई पे हो तो अगर आप एयर इंडिया की फ्लाइट वहां देख लोगे तो आपको जो है लगेगा कि नहीं हमारे देश की जो है ये शान है लेकिन अब इंडिया ने भी जो है अपनी फ्लाइट को बेच दिया है और अब इंडिया का पड़ोसी देश जो श्रीलंका है वो भी अपनी फ्लाइट को जो है बेचने जा रहा है और ऑलरेडी आपको पता है श्रीलंका की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है इनके पास मात्र एक दिन का यहाँ पे पेट्रोल बचा है आप देख सकते हो आर्टिकल भी है कैश स्ट्रेप श्रीलंका आउट ऑफ पेट्रोल इसके अलावा इनके पास डॉलर है नहीं जिससे ये पेमेंट कर पाए पेट्रोल जो है यहाँ पे खरीद पाए इसके अलावा बिजली में भी आपको पंद्रह घंटे की कटौती देखने को मिलेगी और अब फाइनली श्रीलंका को बचाने के लिए श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि वो अपनी एयरलाइंस को जो है सेल करेंगे इस पर आपको ट्वीट भी देखने को मिलेगी आई प्रपोज टू प्रवटाइज श्रीलंका एन एयरलाइंस विच इज एक्सटेंसिव द लॉस फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज फोर्टी फाइव बिलियन तो फोर्टी फाइव बिलियन का जो है फोर्टी फाइव बिलियन श्रीलंकन रुपीज का इनको खाली एयरलाइन से जो है यहाँ पे लॉस हुआ है इसके अलावा आगे भी पढ़ लो बाई थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउंडी वन टोटल श्रीलंकन एयरलाइंस दिस इज अ लॉस दैट वी मस्ट बियर श्रीलंकन पी एम तो बेसिकली थ्री सेवेंटी टू बिलियन का लॉस जो है टोटल यहाँ पे हो चुका है और श्रीलंका को यह लॉस जो है यहाँ पे बियर करना ही होगा और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं जितना मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ श्रीलंका को कोई नहीं बचा सकता अगर इनको कोई एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा लोन दे दिया तो ये बच जाएंगे जैसे कि है है इसके अलावा वर्ल्ड बैंक नहीं तो श्रीलंका को कोई नहीं बचा सकता जी डी रेट जो है बिल्कुल आप हुआ नजर आएगा और अब तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं श्रीलंका के कि ये जो है अपनी एयरलाइंस को सेल कर रहे हैं इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है श्रीलंका न्यू पीएम टू सेल नेशनल एयरलाइंस प्रिंट मनी टू पे सैलरी मतलब श्रीलंका के पास अपने नागरिकों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं इनके पास खाद भी नहीं है इनका एग्रीकल्चर भी यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है इसके अलावा ये अपनी एयरलाइंस को भी जो है यहाँ पे बेच रहे हैं मतलब आने वाले समय में आपको बहुत ही और टफ सिचुएशन जो है श्रीलंका में देखने को मिलेगी और अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो गल्फ कंट्रीज की एयरलाइंस हैं यू और जो गल्फ एयरलाइंस हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले कर सकती हैं श्रीलंका की अपकमिंग मतलब जिस तरीके से तो श्रीलंका अपनी एयरलाइंस को, को बैन तो तो कर दिया है कि कोई भी जो है यहाँ पे श्रीलंका नहीं जाएगा ये आप देख सकते हो ट्वी कैंसिल ऑल हॉलीडे टू श्रीलंका एज फॉरन ऑफिस इशू अर्जेंट वार्निंग टू ब्रिट्स नॉट टू को बेसिकली ये टूरिज्म यूनियन इंटरनेशनल है उसने जितने भी हॉलिडे पैकेजेस यहाँ पे दिए थे जो लोग यहाँ पे श्रीलंका घूमने जाने वाले थे उन सब के पैकेजेस को जो है यहाँ पे कैंसिल कर दिया है इनफैक्ट जो लोग अभी श्रीलंका में हैं अपनी छुट्टियां यहाँ पे बना रहे हैं तो उनको जो है वही रहने की सलाह दी गई है क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका ने स्टेट ऑफ एमरजेंसी को लगाया है तो बिल्कुल हालात जो है और आगे बिगड़ सकते हैं तो देखेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में श्रीलंका में चल क्या रहा है ये क्यों अपनी एयरलाइंस को बेच रहे हैं और इससे इनको क्या बेनिफिट होगा तो काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो आपको सिंपली करना क्या होगा डाउनलोड करना होगा फिर आपको साइन अप करना है आप दो वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे फिर आपको प्रोफाइल में जाना है प्लान को परचेस करना है कोर्स को करना है एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पी भी डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावा डॉट इन ये हमारी वेबसाइट है आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लो कि नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरी में श्रीलंका जो है एक प्लांटेशन इकोनॉमी रही है जो कि बेसिकली सिनेमॉन रबर और जो साइलोन टी है उसके लिए ये फेमस रही मतलब श्रीलंका का पुराना नाम साइलोन था और यहाँ पे चाय की जो है बहुत ही ज्यादा खेती होती है रबर की भी काफी अच्छी खेती होती है कोकोनट मतलब नारियल की भी काफी बड़े लेवल पे आपको यहाँ पे खेती देखने को मिलेगी और कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे नारियल होते थे लेकिन देखो होता क्या है कि ये फर्टिलाइजर जो है दूसरे देशों से यहाँ पे मंगाते थे क्योंकि श्रीलंका के पास ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी मतलब इनके पास ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे तो श्रीलंका क्या करता था श्रीलंका इन सब चीजों को यहाँ पे इम्पोर्ट करता था लेकिन श्रीलंका ने ऑर्गेनिक होने के लिए एकदम से यहाँ पे क्या किया इन्होंने चाइना से परचेज कर लिया बहुत ही भारी मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अब वो जो फर्टिलाइजर थे वो यहां पे खराब निकले इन्होंने वो सब फर्टिलाइजर को यूज कर लिया कहां पे अपने खेतों पे, और इनकी पूरी फसल जो है यहाँ पे बर्बाद हो गई तो सबसे बड़ा कारण तो यहाँ पे ये था कि इन्होंने एकदम से जो है ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होने का सोचा एक मेजर स्टेप लिया और इससे इनके एग्रीकल्चर सेक्टर पे लात पड़ गई और जो बचा हुआ काम था वो लॉकडाउन ने कर दिया तो तो ये बात हो गई एग्रीकल्चर की लेकिन अगर हम टूरिज्म की बात करें क्योंकि टूरिज्म का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा तो टूरिज्म में भी हुआ ये की जैसे ही इनकी खेती यहां पे खराब हुई उसके बाद कोविड नाइनटीन पेंडेमिक आ गया अब जब कोविड नाइनटीन पेंडेमिक आया तो उसने एक और यहाँ पे लात मार दी तो पूरा टूरिज्म जो है यहाँ पे कोलेप्स हो गया श्रीलंका में जो है लॉकडाउन लग गया और उसके बाद श्रीलंका के पास जो है और यहाँ पे पैसों की कमी आ गई और इसके बाद सिचुएशन इतनी खराब हो गई श्रीलंका में कि जो फार्मर है वो यहाँ पे सुसाइड करने लगे और धीरे धीरे जो भुखमरी से यहाँ पे मर गए इस पे आर्टिकल भी है रनिंग ऑन एम रॉकेटिंग फर्टिलाइजर प्राइजेस लीव श्रीलंका फार्मर स्टार एंड क्रॉपलेस तो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये कि फर्टिलाइजर के जो प्राइसेस हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए थे तो जो फार्मर थे वो फर्टिलाइजर को परचेज ही नहीं कर पाए और इस वजह से बहुत सारे फार्मरों ने जो है सुसाइड भी कर लिया कई सारे फार्मर जो है यहाँ पे मारे गए इसके अलावा श्रीलंका में आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा तमिल के बीच जो सिन्हालास लोग हैं उनके बीच कई सारे जो तमिल्स हैं उनको मार दिया गया उनकी नागरिकता यहाँ पे छीन ली गई तो श्रीलंका की जो सरकार रही तो जो महेंद्र मिनिस्टर रहे श्रीलंका के उनने इतने खतरनाक डिसीजन लिए इसकी वजह से पूरी की पूरी की जो है चौपट हो गई पूरा श्रीलंका जो है आज के समय चौपट हो चुका है और मैं आपको अभी ये चीज बता रहा हूं कि श्रीलंका की अगर किसी देश ने मदद कर दी कोई ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा अमाउंट दे दिया तो श्रीलंका बिल्कुल यहाँ पे बच जाएगा नहीं तो श्रीलंका बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है अब श्रीलंका की सरकार ने अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है श्रीलंका के जो नए प्राइम मिनिस्टर विक्रम उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि हम जो अपनी नेशनल एयरलाइंस है उसको यहाँ पे बेचने वाले हैं जी हाँ हम उसको जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं और ये बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं जिससे जो हमारे नेशनल फाइनेंसेज है उसको हम स्टेबलाइज कर पाए इसके अलावा श्रीलंका की सरकार के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि उनको जो है मनी भी यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा सैलरी को पे करने के लिए क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी यहाँ पे पैसे नहीं है अब अगर आप लॉस देखोगे ना तो जो एयरलाइंस है उसको करीब करीब बिलियन रुपीस का का लॉस हुआ है 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 ये ये मिलियन डॉलर मार्च का डेटा है। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले श्रीलंका ने अपने आपको बैंक भी जो है घोषित कर दिया था और आपको पता ही होगा कि श्रीलंका को एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है दुनिया भर के देशों को देना है इसके अलावा और भी देशों से इन्होंने यहाँ पे कर्जा लेके रखा है वो सब इनको चुकाना है और इनके पास बिल्कुल भी यहाँ पे पैसे नहीं है और ये तो ठीक है कि श्रीलंका के पास बिल्कुल भी यहाँ पे पैसे नहीं हैं अब गैस के स्टॉक भी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं इसके अलावा ऑयल के स्टॉक भी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं देखो होता क्या है कि ऑयल को परचेस करने के लिए आपको डॉलर्स में जो यहां पे पेमेंट करनी होती है लेकिन इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी यहाँ पे खत्म होते जा रहे हैं तो इनके पास जब पैसा ही नहीं है तो ये यह यहाँ पे क्या परचेस कर पाएंगे इसके अलावा श्रीलंका की सरकार मार्केट में यहाँ पे हाथ पैर मार रही की हम कि हमको किसी भी जगह से डॉलर मिल जाए जिससे जो तीन शिप ऑयल भर के यहाँ पे आए हुए हैं उनको हम यहाँ पे पेमेंट कर पाए जिससे ऑयल की कमी जो हमारे देश में हो रही है पेट्रोल की कमी जो हमारे देश में हो रही है उसको हम पूरा कर पाए और एट लास्ट अब आप यहाँ पे ये यह जानना चाहोगे कि श्रीलंका अपनी एयरलाइंस बेच रहा है तो क्या इसको फायदा होगा देखो बेसिकली ये एक लॉस ही है श्रीलंका अपनी एयरलाइंस यहाँ पे बेचेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे कम में बेचना पड़ेगा भारत ने भी अपनी एयरलाइंस जो है करीब अठारह हजार करोड़ में यहाँ पे बेची थी तो बिल्कुल ये किसी भी देश के लिए घाटे का यहाँ पे सौदा हो लेकिन हाँ प्राइवेटाइज जब ये होगा तो इससे जो फॉरेन कंपनीज है वो यहाँ पे निवेश करेंगी और इससे श्रीलंका को आने वाले समय में जो है यहाँ पे काफी बेनिफिट होगा मतलब आज से कुछ साल बाद जो है श्रीलंका को यहाँ पे बेनिफिट होगा लेकिन प्रेजेंटली मैं आपको अभी बता दूं कि श्रीलंका को एक बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए है और जहां तक मैं सोच पा रहा हूं मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि श्रीलंका की हालत जो है सुधरने वाली है तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा इसी के साथ ये इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत